दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन से जुड़ी चार ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिस पर यदि आपने काम कर दिया तो यकीनन आप अपने जीवन में कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। आपको आपके जीवन में कभी भी पैसे की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां शोर हो रहा हो तो वहां से हट जाइए ताकि इन चारों पॉइंट को आप अच्छे से सुन सके और समझ सके, क्योंकि दोस्तों यहां आपके जीवन का सवाल है। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, कभी भी हमें अपने जीवन में कमाई के एक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। क्या पता कब वह कमाई का रास्ता बंद हो जाए, इसलिए हमें कमाई के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाना चाहिए, जो कि यही अलग अलग कमाई के जरिए हमारे जीवन की राहों को आसान बनाते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। कभी भी खुद को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए दोस्तों, समय और परिस्थिति को देखते हुए कभी भी किसी दूसरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी होना चाहिए। दोस्तों यदि आप अपने आप को इस तरह मजबूत बनाएंगे तो कभी भी कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए आप परेशान नहीं होंगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी कार्य को करने में हमें हीनता नहीं होनी चाहिए। अगर वक्त की मांग है तो हमें छोटे से छोटे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहां कुछ नहीं वहां थोड़ा ही सही। वो कहते हैं ना, बैठे से बेगारी ही सही, कुछ सीखने को मिलेगा ही। दोस्तों इधर उधर या फालतू जगह अपना समय बिताने से अच्छा है कुछ करते रहिए और कुछ सीखते रहिए। दोस्तों चौथा पॉइंट जो ये हमेशा याद रखना, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आपने हिम्मत को खो दिया तो आपने अपने पूरे जीवन को खो दिया। तो दोस्तों ये चार पॉइंट हैं। यदि आपने अपने लाइफ में लगातार इन चारों पॉइंट्स पर काम करते रहें तो हम उम्मीद करते हैं आपके जीवन में इन चारों पॉइंट से जुड़ी कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।